तो स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ गए, जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूलेस। तो रिडक्शन फार्मूलेस आपको इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स या ग्रेड 12 की मैथमेटिक्स या आईएससी मैथमेटिक्स, सारों में रिडक्शन फार्मूलास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका पहला रिडक्शन फार्मूला रहेगा, प्रूव दैट इंटीग्रल साइन टू द पावर ऑफ एन एक्स डी एक्स इज माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, और उसके साथ साथ आपको ये भी दे सकता हूँ, हेंस इंटीग्रल साइन पावर फोर एक्स डी, इवेल्यूएट साइन पावर फोर एक्स डी एक्स। तो अब आप स्टार्ट करेंगे, तो लेट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन पावर एन एक्स डी एक्स। अभी साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स करना है आपको, क्योंकि बेसिस सेम है। अगर पावर से ऐड करेंगे तो सेम बेस पर माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर फिर वहीं चले जाएंगे। तो फिर आप बच्चों, ये हो जाएगा यू वी वाला फार्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इंटीग्रल यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस दूसरे वाला भी u इंटीग्रल वी डी एक्स। सिंपल से लिखना सिखा देता हूँ, u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस u इंटीग्रल वी डी। पहले वाले u को आप छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे वाले u को एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन में क्लोज कर दीजिए। तो मतलब आपको u v यानी u इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस आपको अगेन u इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डी एक्स। सो साइन टू द पावर ऑफ एन माइनस वन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा बच्चों, माइनस एक्स पावर एन का, पहले आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी कि ये एन था माइनस वन। साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इनर डेरिवेटिव कॉस एक्स, इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों आई रिपीट दिस स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, इसको एक्स समझेंगे, इसको एन समझेंगे, एक्स पावर एन का एन, एक्स पावर एन माइनस वन, वो एक्स तो नहीं था जिसको एक्स समझे थे, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इसके हिसाब से आपको लिखना है, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस अंदर से आएगा बाहर और बना देगा आपको साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, यानी कि माइनस बाहर साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल साइन पावर एन माइनस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। तो फिर बच्चों माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स, एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपको ये सारा सेम रखना है, इज इक्वल्स टू उसी तरह माइनस साइन पावर एन माइनस वन कॉस प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल एन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल, ये पार्ट ये टर्म ब्रैकेट में जाएगा और साइन पावर एन माइनस टू एक्स वन से मल्टीप्लाई होकर वही आएगा साइन पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी। तो फिर साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन सेपरेट देंगे इंटीग्रल साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस माइनस माइनस ये एन माइनस वन इंटीग्रल इसको साइन पावर एन माइनस टू प्लस टू एक्स डी एक्स, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कैंसिल करेंगे बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इंटीग्रल साइन एन एक्स डी एक्स अगर है, इंटीग्रल साइन एन एक्स डी एक्स अगर है तो आई एन ले रहे, इंटीग्रल साइन एन माइनस टू को लेंगे आई एन माइनस टू एन माइनस वन आई एन,
ये आई एन हो गया, यहाँ पर भी एक आई एन, तो आई एन को वहाँ क्योंकि इज इक्वल्स टू के वो साइड आपको सिर्फ आई एन था, तो वाई ये आई एन वो आई एन के साइड ले जाएंगे, आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन, नेगेटिव था उधर आके, ये एक साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। बच्चों आई एन कॉमन निकालेंगे, आई एन अगर हम कॉमन निकालते हैं वन प्लस एन माइनस वन, इस आई एन की जगह बचेगा वन और ये एन माइनस वन, फिर बच्चों माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा बचा सो एन, यानी कि ये जो एन बच जाएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। बच्चों आई एन की वैल्यू आपको इंटीग्रल साइन पावर एन थी, इंटीग्रल इंटीग्रल साइन पावर एन एक्स डी एक्स इज माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। तो बच्चों देख लीजिए आपका आंसर मैच हो चुका है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। प्रूफ करना था हमको रिडक्शन फार्मूला साइन पावर एन एक्स डी ए, तो हमने क्या किया यानी कि ये प्रूफ करना था, तो लेट आई एन एज यूजल अज्यूम किए हम एन बना, अब इस n को n माइनस वन लिखेंगे तो बाजू एक साइन देना पड़ेगा ताकि बेसिस सेम है, पावर सेट करते हैं तो कैंसिल, फिर इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स का फॉर्मूला लिखें, ये u की जगह पर लिखना है v की जगह पे साइन x, u की जगह पे साइन पावर n माइनस वन एक्स, v की जगह पे साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस एक्स पावर n का डेरिवेटिव n एक्स पावर n माइनस वन, लेकिन वो x तो नहीं था, वो था साइन, साइन का डेरिवेटिव फिर से कॉस हुआ और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आकर प्लस बना देगा, एन माइनस वन बेस माइनस वन माइनस वन माइनस टू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर टीटा वन माइनस साइन स्क्वायर टीटा बनेगा, यानी कि बच्चों अब ये पूरा सेम रखना है आपको, सिर्फ कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर है, साइन पावर एन माइनस वन एक्स अंदर मल्टीप्लाई साइन पावर एन माइनस वन एक्स मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेशन इसे भी देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसे भी देना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन के साथ साथ एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस वन बेसिस सेम पावर से एडेड, इस इंटीग्रल साइन एन एक्स को आई एन, इंटीग्रल साइन एन माइनस टू को आई एन माइनस टू, ये वहाँ चले गया, आई एन कॉमन निकाले, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, डिवाइड में चले गया, आई एन की वैल्यू आ गई, और इस तरह से रिडक्शन फार्मूला प्रूफ। लेकिन बच्चों आपके लिए एक टास्क अभी भी बचा है कि साइन पावर 4x, तो साइन पावर 4x अगर हमको सॉल्व करना है, मैं एक बार आपको ये दे दूं बच्चों ताकि आप देख लीजिए, अगर कुछ डाउट आता है तो फिर आप पूछ लेना। डन बच्चों, तो पावर 4 वाला पार्ट बता दूं, तो पावर 4 वाला पार्ट अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, तो आपको n की प्लेस में लगाना है, पुट n इज इक्वल्स टू 4, तो बच्चों साइन पावर 4x dx, जहां जहां n है एक दो तीन चार ये पांच, ये पांच जगह आपको 4 लगाना है, साइन पावर 4 माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई 4 माइनस वन, फिर 4 माइनस वन बाई 4 आई 4 माइनस टू, तो बच्चों साइन पावर 3x cos x बाई 3 प्लस 3 बाई 4 आई 2, फिर बच्चों 2 है यानी कि ये पांच एनओ की प्लेस में आपको वंस अगेन 2 लगाना है, साइन क्यूब x cos x बाई 3 प्लस 3 बाई 4 माइनस साइन पावर 2 माइनस वन एक्स cos x बाई 2 प्लस आपको बन जाएगा 2 माइनस वन बाई 2 आई टू माइनस टू, आई टू माइनस टू माइनस साइन पावर 3x cos x अपॉन 3 माइनस 3 बाई 8 4 टू ज़ा साइन x cos x 3 वन ज़ा 3 4 टू ज़ा 8 आई ज़ीरो। बच्चों आई ज़ीरो की वैल्यू हमेशा x होगी, क्यों, क्योंकि अगर हम आई एन करते हैं, थोड़ा सा ये रब करूँ, आई एन करते हैं तो साइन पावर एन एक्स डी एक्स आएगा, आई ज़ीरो करते हैं तो साइन पावर ज़ीरो एक्स डी एक्स, और एनीथिंग पावर ज़ीरो आपको बन जाएगा
वन, वन का इंटीग्रेशन होगा x, तो ऑलवेज आई जीरो वैल्यू x, तो आपको रिजल्ट आएगा साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई थ्री, थ्री बाई एट साइन एक्स कॉस एक्स प्लस थ्री बाई एट एक्स, और आपको आंसर आ गया। तो यानी कि रिडक्शन फार्मूला भी करे एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिडक्शन फार्मूला भी करे। तो बच्चों एक सिंपल से प्रॉब्लम से ये आपको अच्छे से स्कोर करना है, इसमें अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझे हमारे पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डाउट के लिए, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ये पढ़ सकते हैं, आपको आसान तरीके से देगा। और बच्चों अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। टिल देन बच्चों टेक केयर, थैंक यू, एंड प्रैक्टिस अच्छा कीजिए ताकि आपके एग्जाम के लिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि विदाउट अगर आप दो स्टेप स्किप करेंगे और लिखेंगे तो आपका आंसर बन नहीं पाए। आप उसको याद मत कीजिए, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में आपको क्या चेंज आ रहा, आपको चेंज नोटिफाई कीजिए, उसको विदाउट सीइंग कीजिए, तब आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों अपना ख्याल रखना, बाय बाय।